क्या होती है? स्ट्रेस होती है। सब पाऊंगा मैं, पहले आपको थोड़ा डीपली बता दूं, मेन थिंग क्या है उसमें, आप फिजिकली और इमोशनली ये दोनों चीज से आप परेशान हो जाते हो। फिजिकली मतलब क्या होता है? शारीरिक तौर से। और इमोशनली मतलब क्या होता है? मेंटली आप बहुत इमोशनल हो जाते हो। कुछ लोग होते हैं मनी मन दूसरे को गाली देते हैं जिसकी वजह से आपको टेंशन हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप मन में रहकर खुद को कोसते हैं, यार इसका सब कुछ रीजन मैं, हमेशा मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है, एक ये रीजन रहता है। जब आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हो, यानी कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो आप स्ट्रेस में आते जाते हो और एज अ रिजल्ट क्या होता है? डिप्रेशन। आपको मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूँ कि स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों अलग अलग चीज है। स्ट्रेस की वजह से आपको डिप्रेशन आता है। आप स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हो, आप स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हो। डिप्रेशन में आप गलत डिसीजंस लेते हो, टोटली नेगेटिव। जब आपका माइंड फुल ऑफ नेगेटिव हो जाता है ना, तो आप डिप्रेशन में जाते हो एकदम। जब इंसान होपलेस हो जाता है ना कि यार बस खत्म कहानी, मेरी जिंदगी भी एंड में आ गया है, अभी कोई होप नहीं है, तो आदमी नेगेटिव 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 दिमाग में बातें आती रहती हैं। श्रृंखला श्रृंखला आप तीन लास्ट टाइम में ओके। सो स्ट्रेस क्लियर हुआ क्या है? ये सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप खुद को अकेला पाने लगते हो, हेल्पलेस पाने लगते हो, आपको होपलेस आप हो जाते हो। कोई भी, चाहे वो आप कहीं ऑफिस में हो, आप काम कर रहे हो, आपको लगता है कि जो काम आपको दिया गया है आप उसको सही से नहीं कर पा रहे हो, आप पे प्रेशर आने लगता है, स्ट्रेस। आप सर ने बोला कि एग्जाम के टाइम में आप पढ़ रहे हो सस्पेंस बना हुआ है, क्या आएगा पता नहीं, ऐसा रिजल्ट क्या होता है? स्ट्रेस। एग्जाम दे दिया, पढ़ाई करके गया था, सब कुछ लिख कर आया, रिजल्ट के टाइम पे स्ट्रेस आता है कि पता नहीं रिजल्ट, पता नहीं सर को मेरा जवाब समझ में आता कि नहीं आता है, वो भी एक स्ट्रेस बना हुआ रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्या बनती हैं? स्ट्रेस।